दोस्तों एक ऐसा स्मॉल कैप शेयर है जो राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी शामिल है और पिछले 6 महीने में शेयर 30% टूटा है, लेकिन अब इस शेयर में तेजी आती नजर आ रही है और पिछले 1 महीने में इसमें करीबन 7.5% की बढ़त देखने को मिली है। और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो वाले इस शेयर में अब ब्रेकआउट देखने को हमें मिल सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि निफ्टी रियलिटी में 10 ईयर का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ऐसे में रियल एसेट स्टॉक, खासकर कम कीमत वाले स्टॉक में अगले 3 सालों जोरदार बढ़त देखने को मिल सकती है। बाजार के जानकारों का कहना है कि अगले 2 से 3 महीने में शेयर 42 रुपए पर जाता नजर आ सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आखिर अलग अलग ब्रोकरेज फर्म क्या नजरिया रखते हैं इस शेयर को लेकर। तो दोस्तों चॉइस ब्रोकिंग का कहना है कि प्रोजोन प्रॉपर्टी का शेयर 26 रुपए से 35 रुपए के दायरे पर चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये 56 रुपए के अपने 52-वीक हाई से काफी नीचे दिख रहा है। और ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि 35 रुपए के आसपास इस शेयर में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और एक बार ये लेवल पार करता है तो 6 रुपए से 42 रुपए पर ज्यादा दिख सकता है। वहीं दोस्तों दूसरे ब्रोकिंग फर्म स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट रियल एसेट सेक्टर पर काफी बुलिश नजर आ रहे हैं और निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में हाल ही में 10 ईयर का ब्रेकआउट दिया है। स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से टेक्निकली ये स्टॉक 24 रुपए के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए इस स्टॉक में 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते हुए शॉर्ट टर्म के लिए 40 से 50 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। दोस्तों देखा जाए तो स्टॉक मार्केट ओवरऑल 1% गिरा है, लेकिन फिर भी प्रोजन प्रॉपर्टी के शेयर में हमें 14% की बढ़त देखने को मिली है। तो अगर कुछ ऐसे ही तेजी जारी रहती है तो प्रोजन प्रॉपर्टी आसानी से 40 से 50 रुपए का टारगेट अचीव कर सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट प्रोजन प्रॉपर्टीज को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।